सुनीता सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों। भीम आर्मी एकता मिशन के बैनर तले सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ठेकेदारी प्रथा बंद करने और कृषि संबंधी अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राष्ट्रहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं और विभागों में निजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। भीम आर्मी एवं मिशन के पूर्व जिला प्रभारी सोनू कबीरपंथी ने बताया कि हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है सरकार कृषि संबंधी अध्यादेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले, क्योंकि ये अध्यादेश किसान विरोधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करने, गिने चुने पूंजीपतियों का फायदा करने में लगी हुई है। देखिए, जो भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो भी ये अध्यादेश जो कानून बनाया है, ये किसानों के हित में है। इसमें किसानों का कोई अनहित नहीं है, और अब किसान को जो उनका एक अध्यादेश जारी किया है कि कहीं भी वो किसी भी मंडी में अपना फसल बेच सकता है, तो बहुत अच्छी बात है कि अब वो कानून नहीं है कि भाई उसी मंडी में उसी दायरे में अपनी फसल बेचेगा। अब तो ये है कि भाई कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। समर्थन मूल्य जो सरकार ने दिया है, वो सरकार ने ठीक काम किया है किसानों के साथ, और किसान उससे खुश हैं। अब अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, तो किस तरह का फैसला? हाँ जी, ये भी एक फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, एक अपनी फसल को आप चाहे कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं, किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। अब तक तो इस बिल में ये है कि जो व्यापारियों के और किसानों के बीच में जो था कि भाई उनकी फसल को व्यापारी मन जो उसको रेट जो अच्छा लगता था उस रेट पर खरीदता था, अब इसमें किसान अपनी तरफ से फ्री है, जो जिस रेट पर जो उसे मुनाफे वो बेचना चाहेगा वो अपने 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 फसल को अपने रेट पर बेच सकता है। दूसरा इसमें यह है कि वो पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो बाउंड नहीं है कि भाई वो अपनी मंडी में बेचेगा या अपने प्रदेश में बेचेगा, अब वो देश में कोई भी किसान अपनी किसी भी फसल को कहीं भी बेच सकता है। तीसरा इसमें यह कि टैक्स फ्री है, ना खरीदते टाइम ना बेचते टाइम इसमें कोई किसी तरह का टैक्स नहीं होगा। और एक बीच में जो अपोजिशन ने एक लोगों में एक भ्रमण फैलाने का काम किया था, और वो लोगों को कन्फ्यूज़ किया था ये कह के कि भाई इसमें मिनिमम रेट नहीं रखा गया है। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर पास करवाए गए अध्यादेश का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के चलते हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी और नारेबाजी करते हुए हरियाणा के CM खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। इस मौके पर आप पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना और आप कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा किसानों पर लाए गए अध्यादेश को किसान विरोधी बताया और विरोध किया है। जैसा कि बता दूं मैं आपको, BK चौक पर आज नरेंद्र मोदी और खट्टर का पुतला फूंका गया है। आम आदमी पार्टी किसानों के पक्ष में विरोध कर रही है। आइए जानते हैं अमन गोयल जी से कि विरोध करने का क्या हुआ है। अमन गोयल जी, आज विरोध को आपकी पार्टी विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री और मंत्री का पुतला फूंका गया है, क्यों फूंका जा रहा है उनका पुतला? इसका पुतला फूंकने का मुख्य कारण ये है कि जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर लेके आई है किसानों के विरोध में, उसका आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है। इस विरोध के चलते हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और खट्टर जी का पुतला फूंका है। वो फूंकने का महज कारण यही है कि किसान विरोधी कानून जो इस देश में किसानों पर थोपने का काम, जो अध्यादेश लाकर 5 जून 2020 को एक
चोर गली से बिना संसद के चलते हुए इस कानून को लेकर आकर और ये कानून बिना संसद की सहमति से बिना वोटिंग कराए पास करके इसका विरोध आम आदमी पार्टी पूरे भारत में करती है, समूचे हरियाणा में करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो बिल आया किसानों के पक्ष में लाया गया। बाबू जी, किसान कोई मूर्ख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि विपक्ष उन्हें बरगला रहा है तो किसान जश्न क्यों नहीं मना रहा? अगर ये बिल किसान के हितेश में है, किसानों के हित में है, तो इस बिल का जश्न क्यों नहीं मना रहा? ये किसान जश्न किस लिए नहीं मना रहा? उसको तो हर्षोल्लासित होना चाहिए था। वो सड़कों पे क्यों है किसान? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल पूर्ण रूप से, ये कानून पूर्ण रूप से किसान विरोधी है और हम आम आदमी पार्टी इसका हम विरोध करते और डटकर करते रहेंगे। अगर पार्टी सरकार किसानों के पक्ष में बिल नहीं लाती है तो क्या आपकी पार्टी इस तरीके से विरोध करती रहेगी? देखो, जब तक ये सरकार इस काले कानून को जिस तरह से पूरे संवैधानिक मर्यादाओं को ध्वस्त करते हुए उन्होंने बिना चले रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, उन्हें लेकर पलवल जिला के किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने कहा, कृषि अध्यादेश से देश में किसान अपनी फसल और उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 और आवश्यक वस्तुएं अध्यादेश 2020 में शामिल है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की आज़ादी देता है। यह अध्यादेश कृषि उपज की ऑनलाइन खरीदारी व बिक्री को भी मान्यता देता है और राज्य सरकार को किसानों, व्यापारी और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह शुल्क लेने से रोकता है। गांव वहीन के किसान टेकी ने बताया कि कृषि अध्यादेश लागू कर सरकार ने किसानों के हित में सही निर्णय लिया है। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। अब से पहले किसान अपनी फसल को केवल अपने ही क्षेत्र में बेच सकता था, लेकिन सरकार के इस कानून से किसी भी मंडी में अपनी इच्छा अनुसार अपनी फसल को बेच सकता है। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन भी मिलेगा। तरीके से मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है और जिस तरीके से सरकारी विभागों को निजीकरण करने में लगी हुई है, उससे आने वाले समय में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो गिने चुने कुछ उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएंगी और इस देश में जो अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी रोजगार स्थापित करने के लिए आई थी और अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया था, उसी रणनीति से आज मोदी सरकार गिने चुने उद्योगपतियों के माध्यम से सभी सरकारी संस्थाओं को जो है प्राइवेट करके और इस देश को दोबारा उनके हाथों गुलाम बनाना चाहती है। और दूसरी हमारी मुख्य मांग थी कि जो अभी वर्तमान में किसान विरोधी 3 बिल सरकार ने पास किए हैं और किसानों की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इन लोगों ने, और उसमें बताया गया है कि कोई भी कितना भंडारण अपने यहाँ कर सकता है, तो मैं इस मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या किसान हमारे इस देश के इतने सक्षम हैं कि वो अपने अनाज को 2-3 साल अपने घर में रख सकें? और ये सीधा तौर पर उद्योगपतियों को ही फायदा है। और जो इस देश में सफाई का काम करते हैं, कोरोना महामारी में भी जिन्होंने इस देश में एक देशभक्ति दिखाई थी और बीमारी में भी उन लोगों ने दुनिया की सफाई, गंदगी की सफाई करके और इस देश को कोरोना महामारी से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज वो सफाई कर्मचारी 8-10 हज़ार रुपए में ठेकेदारी में लगे हुए हैं। तो हमारी यह भी मुख्य मांग है कि सभी पूरे देश में सफाई कर्मियों को स्थायी नौकरी दी जाए और जो आज बेरोजगारी इस देश में फैल रही है, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन बेरोजगारों को मद्देनजर रखते हुए एक रोजगार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। तो किसके नाम ज्ञापन सौंपा जाए? ये हमने उपायुक्त महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से कि वो इसको संज्ञान में लेंगे, अदरवाइज भीम आर्मी भारत एकता मिशन बिल्कुल भी किसी के दबाव में नहीं रहता है। अगर देश विरोधी कानून ये मोदी सरकार लाएगी और... बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अनिल जैन फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद में माता अमृतानंद मठ द्वारा बनाए जा रहे अमृता अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सांसद डॉक्टर अनिल जैन के साथ विधायक सीमा तिरखा, नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस हॉस्पिटल में 2000 बेड लगाए जाएंगे, इससे सभी को काफी लाभ होगा।
फरीदाबाद के विकास में एक और नाम जुड़ जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर अनिल जैन ने कहा, इस अस्पताल से फरीदाबाद वासियों को अत्यधिक लाभ होगा। इस अस्पताल के बन जाने से फरीदाबाद की तरक्की होगी। कुमारी सैलजा द्वारा किए गए घोटाले पर डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि कांग्रेस की पूरी जिंदगी घोटालों में ही गुजर गई। फरीदाबाद वासियों के लिए ये अस्पताल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं देखो, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी होगा वो सामाजिक पहले होता है, और समाज के लिए इतनी बड़ी एक सुविधा यहाँ आने वाली है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए ये मैटर ऑफ प्राइड है। ये हमें समझने की भी ज़रूरत है, और इसमें उसी हिसाब से योगदान करने की आवश्यकता है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारी बहन अपने अरे सीमा त्रिखा जी हमारे साथ में हैं, नरेंद्र गुप्ता जी हैं, राजेश जी के पिताजी हैं ये, और हमारे सभी यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं। इस अस्पताल को कितनी जल्दी से जल्दी हम यहाँ खड़ा कर सकें और लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सुविधा मिल सके, ये क्योंकि ये सब चैरिटेबल है। कोई कमाई के लिए अस्पताल आ नहीं रहा, और इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी सुविधा हमारे हरियाणा के लिए, हमारे फरीदाबाद के लिए, बल्कि पूरे NCR और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए है। ये बहुत बड़ी एक खाती यहाँ बनने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए हम सब लोग कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और स्वामी जी का हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग आज किसान कानून का विरोध हो रहा है लगातार, और किसान कानून का विरोध हो रहा है लगातार रोडों पे। अरे यार, किसान कानून की बात में बात करेंगे, अभी पहले यहाँ अस्पताल की बात करें। 2000 बेड का ये अस्पताल बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे फरीदाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा में बड़ी बात है, पूरा दिल्ली NCR का सबसे बड़ा बेड बनने जा रहा है? ये बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ अस्पताल ही नहीं, यहाँ पर रिसर्च सेंटर बन रहा है, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ पैरामेडिक्स का कॉलेज बन रहा है, और इतनी बड़ी ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ इस क्षेत्र में हुआ है, ये बहुत बड़ी। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। स्थानीय पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चरखी दादरी हल्के के विधायक एवं पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सागवान पर चरखी दादरी के विकास कार्यों के बाधित करने के आरोप लगाए हैं। इस अवसर पर पार्षद कुलदीप गांधी ने कहा कि विधानसभा का चुनाव हुए लगभग एक वर्ष हो गया है, लेकिन चरखी दादरी में कोई भी विकास कार्य सिरे नहीं चढ़ पाया है। इसकी मुख्य वजह दादरी का विकास सोमवीर सागवान है, क्योंकि फरवरी 2020 में नगर परिषद ने काफी वार्डों में विकास कार्यों के लिए लगभग 3 करोड़ के टेंडर लगाए थे, जो विधायक सोमवीर सागवान व कुछ पार्षदों ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर रद्द करवा दिए, जिससे चरखी दादरी शहर में काफी विकास कार्य रुके हुए हैं, जो आज 7 महीने बाद भी टेंडर दोबारा नहीं लग पाए हैं। विधायक दादरी शहर के विकास कार्यों में रुकावट बने हुए हैं। हम इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि विधायक को दादरी शहर के सभी 40 बूथों पर जीत मिली थी। जिस जनता ने वोट दिया उसी जनता के साथ विधायक अन्याय कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से, मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादरी नगर परिषद के चुनाव 2016 में हुए थे और विधानसभा के चुनाव 2019 में हुए हैं। उससे पहले पूर्व में हमारे दादरी नगर में खूब कार्य हुए, खूब विकास कार्य नगर परिषद के द्वारा कराए गए, हर वार्ड में कराए गए, जिसका आपको हर मीटिंग में बुलाया जाता है, आपको बताया जाता है। लेकिन लगभग 2019 के चुनाव के बाद जब से विधायक सोमवीर सागवान जी बने हैं, जब से हमारे दादरी नगर के विकास कार्य रुके हुए हैं, और उनको लगभग एक वर्ष हो गया है जी, और उनके बनने के बाद कोई भी विकास कार्य है, चाहे वो गली का हो, चाहे वो मेन रोड का हो, या किसी लाइट का हो, या किसी धर्मशाला का निर्माण करवाना हो, या किसी पाठशाला का निर्माण कराना हो, कोई भी कार्य उन्होंने सिरे निचट दे दिया एक आपसी रंजिश के कारण। वो सिर्फ चाहते हैं कि दादरी में कोई भी विकास न हो। लगभग हमने फरवरी माह में 3 करोड़ के टेंडर लगाए, वो तारीख थी जी 23 जनवरी को लगाए थे, लेकिन विधायक जी ने कुछ पार्षद जो उसके निजी हैं, एक या दो जिनको वो ये मानता है कि ये मेरे पार्षद हैं, उनके साथ मिलकर DC साहब के पास जाके, ADC साहब के पास जाके उन टेंडर को कैंसिल करा दिया, और उनकी कैंसिल की डेट है जी 3 फरवरी, जो उनको रद्द करा दिया। वो लगभग 3 करोड़ के विकास कार्य थे जी, जो लगभग 15 से 16 वार्डों में होने थे, और मेरे वार्ड में था जी लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए का काम, लेकिन विधायक जी ने वो सारे काम रद्द करवा दिए।
हम प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दादरी नगर में 40 बूथ हैं जी, और उन 40 बूथों पे दादरी के विधायक जो अपने हुए सोमी सांगवान जी, उनको हर बूथ पे जीत हासिल हुई है, किसी भी बूथ पे वो हारे नहीं। दादरी की जनता ने खूब सहयोग किया, लेकिन उन जनता के द्वारा किए गए सहयोग के बाद भी विधायक जी ने दादरी नगर में जो कार्य नगर परिषद करवाती है ना, उस किसी भी कार्य को होने नहीं दिया। हर कार्य को रुकवाया, अधिकारी को फोन किया कि ये कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है जी, एक समाज विशेष के लिए नगर परिषद जमीन देती है, जैसे कोई भी समाज होता है, एप्लीकेशन आती है बैठक में, कोई प्रस्ताव आता है कि भी हम उसको। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। देश में फैली कोरोना महामारी की मार, ऊपर से राशन डिपो होल्डर कर रहे हैं उपभोक्ताओं पर अत्याचार। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना महामारी की मार पहले ही देश की जनता झेल रही है, ऊपर से अब राशन डिपो होल्डर उपभोक्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचारों के नियमों की बात करें तो उपभोक्ताओं का आरोप है कि राशन डिपो होल्डर उन्हें पूरा राशन नहीं देते, और जब वह इसका विरोध करते हैं तो डिपो होल्डर उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। उपभोक्ताओं ने फरीदाबाद की रबुआ कॉलोनी के दो राशन डिपो होल्डर राजेश और देवेंद्र जून पर लगाए हैं। अब इसकी शिकायत मिलने पर जिला खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी के गोयल ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नहीं है, कौन सा वाला कार्ड है? व्हाइट वाला। तो राशन की सारी जो व्यवस्था है वो ठीक है आपकी? ठीक क्या? वो 50 किलो देते हैं दो महीने, मतलब 6। तो 6 मेंबर का 30 किलो हो गया? 30 किलो हो गया। वो 50 के, हाँ 25 किलो है। तो ये पूछा नहीं कि भी 10 किलो आप काट रहे, क्यों काट रहे हो? नहीं तो मैंने पूछा तो वो बोले कि जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। डिपोधारक क्या नाम है? जून के नाम से सब जानते हैं। तो ये जो 25 किलो गेहूँ मिल रहा है आपको हर महीने ऐसे मिल रहा है? बीच में एक महीने दिए भी नहीं थे। मिलता है ये कभी पूछा आपने? हाँ तो पूछे थे। चौथे महीने में क्या मिला आपको? ये गेहूँ ही मिलते हैं। तो गेहूँ से अलग एक किलो चना बस। नमक मिला है आपको? किया जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम चांदनी है। कौन सी जगह है ये? हम तो वहाँ रहते थे गली नंबर 4 में, अभी हमने कमरा चेंज किया है। हाँ जी। क्या राशन में मिल जाता है आपको? हमें सिर्फ गेहूँ मिलता है, उसके अलावा कुछ और? कुछ भी नहीं। चने दिया जा कुछ भी नहीं मिले? कुछ भी नहीं। क्या नाम है जी प्रधारक का? सुधीर। हाँ जी। दिक्कत कोई समस्या? वो पहली बात तो सुनते ही नहीं है, हम कुछ भी बोलेंगे इस कहते सीधा बाहर निकलो, जब तुम्हारा नंबर आएगा जब मतलब जब बोलना, और जब हम लेने कुछ भी कोई भी शिकायत करने जाते हैं कहते हमसे मत बोलो, अपना वहाँ राशन ऑफिस पे जाके वहाँ बात करो। हमारे घर में 7 जने हैं। तो 35 किलो गेहूँ मिलता है? 35 70 किलो जी इतना नहीं मिलता, 25 किलो मिलता है। क्या नाम है आपका? रामकिशन शर्मा। राशन कार्ड है आपका? हाँ, BPL का 4 मेंबर। तो टाइम से राशन मिल जाता आपको? नहीं टाइम से, अब 2 महीने से मिल रहा। क्यों? उससे पहले क्या था? उससे पहले 5 किलो तो 1 साल तक खाए, कह रहे 3 चारों के आधार कार्ड है, राशन कार्ड पर नाम है चारों का, 5 किलो पीछे से नहीं आ रहा। फिर मैंने उससे सुभाष से बात करी, कहने लगे हमने भेजा है, लड़े कौन इनसे तो? और पिछले बार 20 किलो गेहूँ दिए, 20 किलो नहीं दिए। तो आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है? अरे हमारे साथ तो इतना हो रहा है, औरों के साथ मना कर देते, पीछे से आया ही नहीं है, दाल भी आती है तब भी कह देते आई नहीं है, चने आते हैं पिछले महीने के अगले महीने बांटते हैं। और क्या क्या मिलता है आपको राशन में? वही मिलता है तेल, चीनी और नमक, नमक तो अब मिलने लगा है, और गेहूँ मिलते हैं। हाँ ये मोदी ने जो करा है। चले बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना की आड़ में अब टीबी को भगाने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। विभाग का मानना है कि कोरोना की वजह से लोगों में सोशल डिस्टेंस है, मास्क का चलन हो गया है, जिसका टीबी के फैलने पर काफी रोक लगेगी। इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सोशल वर्कर व आशा वर्कर को लेकर गांव-गांव जाकर अभियान चलाएगा। विभाग की माने तो पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष टीबी के कम मरीज सामने आए हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर सोहना के नागरिक अस्पताल में नियम दिवस का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि पिछले वर्ष गुड़गांव जिले में 7000 टीबी के मरीज थे, लेकिन अब तक इस वर्ष में 4774 टीबी के मरीज सामने आए हैं। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विजय ने बताया कि 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है और सरकार क्या क्या इसको लेकर कार्यक्रम कर रही है? जैसा कि सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि हमें जो टीबी है मार्च से 2025 तक हमें टीबी मुक्त करना अपने देश को, इस बारे में अलग अलग तरह के प्रयास चल रहे हैं हमारे। इसमें अवेयरनेस एक्टिविटी है और टीबी के मरीजों को
टोटली फ्री इलाज दिया जा रहा है उनको। निक्षेप उष्ण योजना के अंतर्गत 2018 के बाद, अप्रैल 2018 के बाद 500 रुपये पर महीना उनको दिया जाता है पोषण के लिए। सभी इन्वेस्टिगेशन फ्री हैं, सभी MDR TB जो कि काफ़ी इलाज कोस्टली होता है वो भी टोटली फ्री है, उसकी जांच फ्री है। तो अलग अलग लेवल पे सभी गतिविधियां चल रही हैं TB कंट्रोल को लेकर। सर, कोरोना लेकर जिस तरह चल रहा है तो इससे क्या लगता है कि TB के मरीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर कुछ फायदा मिलेगा? कोरोना में जैसा है कि जो कोरोना के उपाय जैसे हम बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का प्रयोग है, ये या हैंड वॉशिंग है, तो नेचुरली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है और TB भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलती है, तो अगर ये लोग इसका बचाव करेंगे कोरोना का मास्क यूज करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, नेचुरली TB प्रिवेंशन में भी ये काफी हेल्पफुल होगा। सर, अभी तक कितने मरीज हैं और आगे भविष्य में क्या लगता है कि जो प्रोग्राम चल रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा आगे? उम्मीद तो यही है कि TB के मरीज में के संख्या में मतलब कमी आ सकती है, लेकिन हमें साथ के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो TB और कोरोना के कई बार लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, हालांकि TB में लक्षण थोड़े ज्यादा समय वाले होते हैं। इसमें BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।